नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आजकल काफी सुर्खियों में है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप ट्विटर में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक अकाउंट खोल सकते हो, और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, इसका नाम है ट्विटर। आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी। जो आइकॉन है कुछ इस टाइप का शंख जैसा है, और इसका देखिए आप लोगों देख ही सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिफरेंस वर्जन ऑफ एंड्राइड में। प्ले स्टोर में जाके सिंपली टाइप कीजिएगा ट्विटर करके, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ और इसका लगभग 50,000 प्लस इसका डाउनलोडेड हो चुका है। चलिए हम आपको बताते दोस्तों, ये ट्विटर लगभग जुलाई के आसपास इसको लॉन्च किया गया है इस एप्लीकेशन को। इसका फाउंडर है, सीईओ जो है उसका नाम है नंदा। एक इंडियन ऐप है और कई लोग इसको ट्विटर का कॉफी भी बोल रहा है, तो बोलने वाला बोलते रहेंगे जो भी है। इस ऐप को लॉन्च करके कई महीने हो चुका था, बट इस लोगों को इसके बारे इतना पता नहीं था। ये ऐप सुर्खियों में तब आई जब कोई बड़े बड़े हस्ती ने इसको यूज करना शुरू किया। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसको यूज करते हैं। उसके अलावा बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कुछ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी शायद यहाँ पे है। उसके अलावा और भी कोई क्रिकेटर सेलिब्रिटी इसको यूज करने लग गया। तो आप जो है मीडिया वाले, चाहे टीवी चैनल्स वाले है और प्रिंट मीडिया है, सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स करने लग गया है। लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, तो लोग इसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो चलिए हो गए बहुत सारे बातें, अभी हम इसको देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता है और इसका फीचर्स वगैरह कैसा है। तो गूगल में जाके सिंपली टाइप कीजिए ट्विटर, आपका वहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा और वहाँ पे भी जाके सेम के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो। उसके अलावा आप लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से इसको आप यूज कर सकते हो, और iOS के लिए फिलहाल इसके ऐप अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में हम करते हैं क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये साइनिंग का जो है पेज आ जाता है, एक सिंपल फॉर्म फिल करना है साइनिंग के। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम देना है, आपके नाम आप दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसी ईमेल आईडी से आपको जो है एक लिंक भेजा जाएगा इस ऐप के थ्रू, उसमें क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है अकाउंट को। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को रिकन्फर्म करना है। उसके बाद आपको नीचे ये एग्री वाला बटन में क्लिक करके साइन अप में क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इसको फिल कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपना इन्फॉर्मेशन डाल के साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड को यहाँ पे रिमेम्बर नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपके ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पहले इसको वेरीफाई कर ले। अगर इनकेस कई बार क्या होता है लिंक नहीं आती है, तो आपको क्या करना, नीचे वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना यहाँ पे Didn't received information confirmation instruction, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से आपको ईमेल आईडी को सबमिट करना है, तो आपके ईमेल आईडी में एक लिंक चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको और भी बता देता हूँ, ये जो जीमेल आपने जब भी देंगे जीमेल में, तो जीमेल में ज़्यादातर क्या होता है जो अपना प्राइमरी ईमेल्स जहाँ पे आता है वहाँ पे नहीं मिलता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ मेरे साथ कि ये स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो आपको स्पैम फोल्डर में जाके चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्पैम फोल्डर में नॉट रिप्ले ट्विटर से एक मेल आया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस में क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर अगेन यहाँ पे इस पेजेस में रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन करने के लिए। तो अभी क्या है, जो हमारा ईमेल आईडी दिया उस ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने बनाया लॉगिन के लिए, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का यहाँ पे देखेगा, पहला वेलकम टू ट्विटर ऐसा आपको देखेगा, एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइंड योर पीपल का ऑप्शन आएगा। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो है ना अपना प्रोफाइल का फोटो आप डाल सकते हो, तो आपके मोबाइल में जो भी फोटो है आपको यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं तो क्लिक करके यहाँ पे इमीडिएट आपके सेल्फी लेके भी डाल सकते हो। उसके बाद ऊपर आप अपना प्रोफाइल का बैनर पे लगा सकते हो, तो फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं बाद में लगा लूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आपको डिस्प्ले का नाम देना है, आपको आपका जो रियल नाम है वही नाम यहाँ पे देना है, वही कि उससे आपको लोगों आपको पहचान सकेंगे। रियल नेम मैंने दे दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फाइंड योर पीपल नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है, उसके बाद फिनिश्ड पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन भी हो चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका न्यूज फीड जो है इसका ट्विटर का देख सकते हो, तो इस टाइप से दिखता है। तो ये है होम। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन,
नोटिफिकेशन में कुछ भी नोटिफिकेशन आपका किसी को फॉलो किया, किसी ने आपको फॉलो किया और किसी ने आपको मैसेज किया, तो ये सारे का नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलेगा। और उसके बाद ये है ग्रुप के ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन अभी फ़िलहाल आपको अगर ग्रुप में टैप करते हो तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, क्योंकि हम अभी भी नया बनाया। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि एक ग्रुप क्रिएट करते हो, दोस्तों यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो में बताता है कि आपको प्रो अकाउंट होना चाहिए आपको। उसके लिए आपका जो है अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई मीन्स आपके अकाउंट का सामने आपको, जैसे आपके ट्विटर में देखते हो, इंस्टाग्राम में देखते हो, फेसबुक में देखते हो, आपके नाम का साइट में ब्लू टिक रहता है, तो उसी को वेरिफिकेशन बैच बोलता है यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन बैच तब मिलेगा दोस्तों जब आपके पास 500 फॉलोअर हो गया आपके, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लेता है कि व्हाट्स ऑन योर माइंड, आप यहाँ पे कुछ भी ट्वीट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैप्शन के साथ साथ यहाँ पे फोटो आप डाल सकते हो, इमेजेस, वीडियोस फिलहाल 30 सेकंड का ही वीडियो अलाउ करते हैं, आगे जाके शायद बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इमोजीज का है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप पोल डाल सकते हो, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये पोल मीन्स आप कुछ देखते हो कि लोग क्वेश्चन डालते हैं, उसके ऊपर ऑप्शन देता है ये सर नो, हाँ ना ना, आपके क्या राय है, मल्टीपल चॉइस रहेगा उसमें, इस टाइप का वोटिंग जैसे ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद ये राउंड कलर जो दोस्तों दिख रहा है, जो ग्लोव्स टाइप का, तो ये आपका जो है प्राइवेसी के लिए, मीन्स आप इस पोस्ट को, जैसे कि फेसबुक में भी ऑप्शन रहता है आप किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, पब्लिक में या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप पे या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल के साथ, तो ऐसे सेम ऑप्शन है यहाँ पे। कैलेंडर वगैरह भी है, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे है। तो आप अभी अपना प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। फोटो लगाने के लिए सिंपली आपको वही प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में जाके आपको यहाँ पे टैप करना है एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना है, और आपके फोन में या फिर आपके अगर सेल्फी भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये वाला फोटो मैंने प्रोफाइल बनाया, उसके बाद सेव कर दिया और ये सेव हो गया। तो फिलहाल देख सकते हो हमारा 4 फॉलोअर्स है और 3 फॉलोइंग है हम। और किस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसका फॉलोअर बढ़ा सकते हो, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी आपको मैं दिखा दूंगा, और जल्दी आपका फॉलोअर जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके कुछ सेटिंग्स है तो वो सबको नहीं पता है अभी तक, क्योंकि ये एप्लीकेशन नया है, तो सब चीज एक ही साथ आपको बताना मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो गया ऑलरेडी वीडियो। तो गाइस इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो देख, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज टाइप किया, हाय एवरीवन लेट्स टूट, इसको टूट बोलता है कोई लोग, पोस्ट बोलता है, जो भी है यहाँ पे टूट बोल सकते हो, कोई लोग टूट भी बोलता है। @ लगा के TW जैसे ही टाइप किया तो मैं ट्विटर को ही टैग करता हूँ, तो सिंपली आपको इस पे टैप करना है और उसके बाद पब्लिश करना है। तो ये मैसेज जो है, ये ट्विटर का जो ऑफिशियल हैंडल है उसको भी टैग हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि ये मैसेज इस बंदे ने मुझे टैग करके किया है, तो वो देख लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी को टैग कर सकते हो, या फिर आप किसी को चाहते हो डायरेक्ट मैसेज करना तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस तो गाइस अभी भी अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल और सुझाव रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।